हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन लेके आइए, तो हिस्ट्री के मैं 300 क्वेश्चन लेके आऊँगा, अलग अलग पार्ट इसके मैं लेके आऊँगा, यानी कि 40-50 क्वेश्चन करके 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दूंगा। आप ये सारे टेस्ट लगा के देखिए, जितने भी आंसर आपसे आते होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एंड में टेस्ट के बताया करें कि आपने कितना स्कोर किया आज, ठीक है। अगर आप चाहते हैं लगातार इसी तरीके से आपको टेस्ट मिलता रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड मिलेगी, उसमें आप आंसर बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल से यहाँ पे पहले का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो बिल्कुल सही, अगर आप 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए राइट आंसर यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप सभी को पता होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए यहां पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहां पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव ने कृषि कार्य किस युग में युग से आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। तो बिल्कुल सही है यहां पे अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं भाई, इतना टाइम आपको काफी है ना आंसर बताने के लिए, अगर थोड़ा बढ़ाना होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार तो मैंने देख लिया अलग अलग एग्जाम का, जब एनालिसिस करते हैं तो पूछा जाता है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 9, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। तो बिल्कुल सही यहां पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर टेस्ट पसंद आए ना तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि डेली बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए लेके आता हूं और सारी वीडियोज इसी तरीके से रेगुलर रखूंगा अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। 10वें का राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा। तो बिल्कुल सही यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही, यहां पे अगर 12वें का आप राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदाड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है, यानी किसे जाता है, किसे है, ये आप बताइए। तो बिल्कुल से यहां पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो 14 का देखिए यहां पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 15 में से बताइएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बिल्कुल सही, यहां पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो यहां पे देखिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो बिल्कुल से यहां पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। तो बिल्कुल सही, यहां पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि बहुत बार पहले भी आ चुका है आपके एग्जाम में। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे, कहां पर वो सबसे पहले आए थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा। और इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, यहां पे ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसमें 300 जो क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, अगर आप इनको देख लेते हैं तो इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 20 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा अगर आप सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? 21 बताइएगा भाई। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? 22 का बताइएगा। तो यहां पे 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 23 का राइट आंसर यहां पे बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई।
24 इसको जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही करते हैं। तो इसका कमेंट में आप जरूर करिए आंसर। तो 24 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेदिक आर्य की भाषा क्या थी? तो यहां पे बिल्कुल सही, यहां पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सभी को पता है ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 27, मतलब ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? ये क्वेश्चन आपका आईएएस में भी पूछा जा चुका है और एसएससी सीजल में भी आ चुका है और आरपीएफ इन में मुझे नहीं पता क्योंकि इनमें नहीं देखा, बट बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही 27 का आपने आंसर कर दिया होगा, सी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा, अगर आपने यहाँ पे आंसर कर दिया है तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाता है आपसे। तो बहुत अच्छे, अगर आपने आंसर कर दिया है 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर आप वीडियो को दो बार देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे और ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो एग्जाम में आते ही रहते हैं कभी ना कभी, कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप। ठीक है। निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 30 का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही, अगर आप डी लगा रहे हैं तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31, आप राइट आंसर बताइएगा, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? तो बिल्कुल सही, यहां पे ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 32, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो बिल्कुल सही, यहां पे 32 का राइट आंसर बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन ए लगा रहे हैं। 33, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मुंडकोपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ ना आप, मेरा विश्वास करिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो 34 का देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 35, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे? बिल्कुल सही, यहां पे 35 का राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, महावीर राइट आंसर हो जाएगा। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आरपीएफ का हो, कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस को, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36,
पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा पांचवा व्रत तोड़ा? तो यहां पे देखिए 36 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 38, महावीर का जन्म कहां हुआ था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 38 का राइट आंसर देखें यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सियादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो बिल्कुल सही 39 का देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट का क्वेश्चन है आज का, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये सारी पीडीएफ